दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एंट्री और एग्जिट कैसे करें। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ज़्यादा रूम नहीं होता है, तो उसके लिए आपके पास क्या आपको एंट्री और एग्जिट आपके क्राइटेरिया सेट होने चाहिए। मतलब ये है कि आपको एंट्री और एग्जिट के का रूल्स जो हैं आपके वो फिक्स होने चाहिए कि मुझे कैसे एंट्री करनी है। आप देखिए मल्टीपल रूल्स भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में रूल्स को फिक्स करने का क्या तरीका है, मैं वो आपको ये आज बताऊंगा कि आप अपने रूल्स कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और मैं ये बताऊंगा कि मैं कैसे एंट्री एग्जिट करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। देखिए आप सबसे पहले टर्मिनल खोलते हैं 9:15 बजे या 9:10 पे। 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुई, ये नहीं है कि आप गए और आपने कोई भी स्टॉक देखा और उसको देख रहे हैं कि हाँ ये देखिए ये यहाँ से कैंडल बढ़ रही है, मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ 1-2 साल में सारी चीजें पता लगेंगी। उससे पहले मैं आपको सारी चीजें अपने वीडियोस में बता दूंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में वो चीजें रिपीट ना करें, वो गलतियां रिपीट ना करें। तो देखिए जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए मैं जो है एडवांस टू एक तो मेरे पास निफ्टी की एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो होती है। सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये होती है कि निफ्टी की ये देखिए यहाँ एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आ रही होती है, इस पे मैं जरूर नजर रखता हूँ। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज को देख के आप जो है निफ्टी की पल्स कैसे पकड़ सकते हैं कि निफ्टी का बियरिश टोन है या बुलिश टोन है, वो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो से समझ में आ जाता है। दूसरी चीज मैं टॉप 10 गेनर और लूजर देखता हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। निफ्टी का जहां से मेरे पास ट्रेंड आ जाता है, निफ्टी बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, या फिर निफ्टी साइडवेज जा रहा है, ज्यादा कुछ हिल नहीं रहा है और इधर कहीं किसी तरफ जा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक्स भी नहीं जाएंगे। तो दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ, और ये वाले टॉप 10 गेनर लूजर में से मैं जो भी मेरे पास 1% के आसपास स्टॉक अप होता है मैं उसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ, उसको यहाँ अपनी वॉच लिस्ट में ले आता हूँ और मैं वॉच लिस्ट मेंटेन करता हूँ अपनी की जो भी मेरे स्टॉक्स हैं वो। देखिए मेरे साथ 80% ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं जो स्टॉक सुबह पिक करता हूँ टॉप 10 गेनर या लूजर में से, वो निफ्टी जिस तरफ जा रहा होता है वो पूरा दिन में 80% वो जो है 2-3% ऊपर चले ही जाते हैं निफ्टी, डिपेंडिंग ऑन निफ्टी। तो देखिए आप भी ऐसे ही स्टॉक को पकड़ के करेंगे आप ये देखिए जो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी कि मान लीजिए आपके पास कोई भी आपके पास स्टॉक है मान लीजिए ये बाटा इंडिया है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आज आप नीचे गया, आज आपने इसमें ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो दूसरे दिन जरूरी नहीं कि यही आपको ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। दूसरे दिन के स्टॉक्स अलग होते हैं ट्रेडिंग के, दूसरे दिन के स्टॉक्स आपको यहीं से मिलेंगे टॉप 10 गेनर लूजर में से, निफ्टी को देख के, निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देख के कि आपको बेरिश लॉन्ग्स पे ज्यादा फोकस करना है या शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरी चीज ये है कि मैं यहाँ वॉच लिस्ट रेगुलरली मेंटेन करता रहता हूँ। देखिए इसमें मैंने सारे एग्जांपल्स आपके लिए निकाल के रखे हैं जो काफी ज्यादा बुल साइड पे रहे हैं, जो काफी ज्यादा नेगेटिव साइड पे भी रहे हैं, सारे मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, और जो काफी ज्यादा साइडवेज भी रहे हैं, कहीं भी नहीं गए हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं जो है देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी फिक्स स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करेगी। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली ये वाली स्ट्रेटेजी कीजिए और इंट्राडे में आपको डेली प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं होता। निफ्टी पे आपको नजर रखनी पड़ती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करते चलना है, लॉक करते चलना है। तो कोई एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बिना निफ्टी को देखे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये चीज आप दिमाग में, निफ्टी ऊपर जा रहा है वो स्टॉक अलग जा रहा है, तो ये चीज मिक्स मत करिए। जो प्रॉपर वे ऑफ ट्रेडिंग होता है वो यही होता है कि आप निफ्टी पे आए रखेंगे और साथ साथ जो है अपनी वॉच लिस्ट बनाएंगे और उसी पे फोकस करेंगे जो आपको टॉप 10 गेनर लूजर में से मिलते हैं। इसका मतलब ये कि उन्हीं में ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वही ज्यादा जूम कर रहे हैं या वही ज्यादा फॉल कर रहे हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो देखिए जैसे ये कैडिलैक था, ये कैडिलैक जो है फार्मा सेक्टर भागा जो है थर्सडे को, फार्मा सेक्टर काफी रन अप दिया, सारे सेक्टर डाउन थे, फार्मा सेक्टर अप था। यहाँ मैंने सेक्टर्स भी लगाए हैं, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए निफ्टी फार्मा ये सारे
ये सारे सेक्टर्स के अपने इंडेक्सेस होते हैं, आप इनसे भी स्टॉक्स को कैसे पकड़ सकते हैं ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, ये अभी नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि इसमें फोकस मेरा यहाँ समझाने पे है। तो देखिए, उसके बाद तीसरी चीज, मैं पहले मेरा मेरा निफ्टी गेनर लूजर हो गया, निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गई, इस पे नजर रहती है। तीसरी चीज मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे स्टॉक्स हैं मैं इनका वेट करता हूँ। ये देखिए, ये आपको कोई भी अगर स्टॉक यहाँ से मिल जाता है डायरेक्टली, आपको मान लीजिए यहाँ से टॉप 10 गेनर लूजर में से मिल गया, आपने यहाँ ऐड करा और डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं ले सकते, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। ये नहीं कि आप डायरेक्टली उसको बाय कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, या डायरेक्टली उसको सेल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं जो है मैं वेट करता हूँ उसका किसी लेवल पे आने का। जैसे देखिए, मुझे मुझे ये सुबह मिल गया मान लीजिए यहाँ पे कहीं, तो मैं इसको यहाँ तुरंत ही बाय नहीं कर लूंगा, ये प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग नहीं है। मैं इसका, ये देखिए R1 है, इसके पास इस यहाँ पे आने का वेट करूंगा। मैं यहाँ देखूंगा कि यहाँ पे क्या बेयरिश कोई साइन बनता है, कोई बेयरिश सिग्नल बनता है ताकि रिवर्सल का, मान लीजिए ये यहाँ पे था, आप देखेंगे कि देखिए ये बुलिश है, ये आपकी रीडिंग होनी चाहिए। पिछले दिन की जो रेंज है इसको ये पूरे तरह खा गया, निकल गया, पूरी तरह निकल के ऊपर गया है, तो आपका आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये जो है काफी बुलिश है, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि आप जो है यहाँ पे इस देखेंगे कि ये इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है या नहीं। डायरेक्टली आपको यहाँ मिला, यहाँ नहीं ट्रेड लेंगे, ये एंट्री एग्जिट ये नहीं है। एंट्री एग्जिट मेरी ये रहती है कि अगर ये R1 को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। सुपर ट्रेंड है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। यहाँ कहीं देखिए, यहाँ इसने इस कैंडल पे ब्रेक करा, मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहता है 910 पे। उसके बाद अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में चला जाता है तो मैं जो है अपने स्टॉप लॉस को सुपर ट्रेंड के साथ साथ ट्रेल करके ऊपर ले आता हूँ, ताकि मेरा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और जब ये मेरे उस स्टॉप लॉस उससे ऊपर आ जाता है तो मैं जो है काफी श्योर हो जाता हूँ कि हाँ ये ट्रेड काफी अच्छा है। और देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ भी भरोसा नहीं होता, कोई भी बेयरिश साइन बना तो आप जो है बेयरिश साइन बनने पे ये रिवर्सल भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप बड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप नहीं चाहते कि आप पूरा ट्रेंड को आप यहाँ पे कहीं पे बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट इतना, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं R2 मतलब अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ तो मैं R2 लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, फिर मैं वेट नहीं करता कि वो कहाँ जाएगा। R2 लेवल पे गया, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप आधी पोजीशन जो है माइनस करके आधे में प्रॉफिट बुक करके आधे को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इंट्राडे में क्यों इतना लालच करना, सिंपल सी बात है, क्यों लालच करना। इंट्राडे में रूम बहुत कम होता है, 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो इंट्राडे में लॉस लेते हैं, 5% ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट लेते हैं। तो आपको कैच ये है कि सारी चीजें कनेक्ट करनी आनी चाहिए, निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी किधर जा रहा है, टॉप 10 गेनर लूजर में से उठाया और फिर वेट करा कि किसी एक लेवल पे उसके आने का। और उस लेवल, जैसे मान लीजिए कोई भी मैं स्टॉक आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आप ये आपको मिल गया बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये आ रहा था तो लेकिन देखिए यहाँ मैं इसका पिवट पे आने का वेट करूंगा। जब तक ये पिवट पे नहीं आ जाता मैं बाय नहीं करूंगा या सेल नहीं करूंगा। देखिए, पिवट पे इसने रिजेक्शन फेस करा, ये रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन फेस करता रहा इतने टाइम तक, तो मैं यहाँ अपनी बाय की पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ और मैं यहाँ कोई 0.5% का टारगेट रख सकता हूँ। तो मैं रैंडमली कहीं भी एंट्री नहीं लेता और वो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं लेता। वो जो नए नए आते हैं, वो सारे जो नए सीखने आते हैं, वो सारे कहीं भी बाय कर लेते हैं, कहीं भी सेल कर लेते हैं और फिर एंड अप जो है उनको नहीं पता कि ये स्टॉक किधर जा रहा है। तो आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज लेनी है, वो होती है किसी लेवल के ऊपर या नीचे, मतलब पिवट के ऊपर। अगर पिवट के ऊपर बाय करते हैं या फिर R1 को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो आप बाय करोगे, या R1 से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ रहा है तो सेल करोगे। और आप इसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखोगे, इसी स्ट्रेटेजी पे आप कम से कम 50 ट्रेड लोगे तब जाके आप जो है प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी है। रैंडमली कहीं भी ट्रेड करते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आपकी स्टॉक का किसी भी लेवल पे आने का वेट करो। निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये देखिए हिंद पेट्रो था, इसने रन अप दिया R1 पे देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुली सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करता रहा। देखिए सुपर ट्रेंड भी आता है, ये भी आपको एक कंफर्मेशन दे देता है, सुपर ट्रेंड भी आता है। मेरा एक सुपर ट्रेंड का वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, आपको उससे भी समझ में आ जाएगा सुपर ट्रेंड क्या है। तो ये सस्टेन करता रहा, तो आप यहाँ बाय की पोजीशन यहाँ कहीं इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुली इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर रहा है।
और R2 पे कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं ऐसे ट्रेड में ही ढूंढता हूँ और ऐसे ट्रेड्स में ही ट्रेड करता हूँ। देखिए, आने वाले टाइम में मैं अपना टेलीग्राम का चैनल भी बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको दिन के 2 से 3 ट्रेड्स ऐसे दे दिया करूंगा, जिससे कि आपको भी आप भी उसमें आप भी ऑब्जर्व करें कि मेरी स्ट्रैटेजी कितनी चलती है और कितनी कितनी बार ये फेल होती है। देखिए, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं चलती, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। और मार्केट में कहीं पैसा पेड़ पे नहीं लगा हुआ, एक का पैसा दूसरे के पास ही जाता है। तो मार्केट को जितना आप प्रोफेशनली ट्रीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं लेवल पे आने का वेट करता हूँ और लेवल पे के आसपास ही ट्रेड लेता हूँ। मैं कहीं बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं लेता, मैं इमोशनल होकर ट्रेड नहीं लेता। मेरी स्ट्रेटेजी ये है। तो दोस्तों, मैंने इसमें आपको काफी काफी अच्छी अच्छी चीजें बता दी, जो कि प्रोफेशनली आपको हेल्प करेगी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो और टॉप 10 गेनर लूजर में से उठाना स्टॉक्स, और उनकी वॉच लिस्ट बनाना, और उनका किसी लेवल पे आने का वेट करना। किसी लेवल पे अगर वो आए हैं तो ही मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा। और कैंडल स्टिक्स इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं कुछ, वो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा जैसे जैसे मेरे आगे वीडियो की सीरीज आएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।